हार हुई है। नमस्कार, अजय भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमित झा। लालू का तेज, हमको परहेज। जी हां, निश्चित रूप से आज जीतन राम मांझी का जो बयान आया है वो चौंकाने वाला है। ये वही जीतन राम मांझी हैं जो कुछ दिन पहले तक ये कहते थे कि चाहे कोई माने ना माने, मैं तो कहूंगा, खुलकर कहूंगा कि तेजस्वी ही अगले सीएम होंगे, और मांझी उनके साथ खड़ा है। लेकिन लोकसभा चुनाव में करारी हार क्या मिली, जीतन राम मांझी के सुर बदल गए। कांग्रेस भी अभी टालमटोल की स्थिति में है। इस पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल ये पहले एक पैकेज देख लीजिए। कांग्रेस की नाराजगी के बाद अब हम के नेता जीतन राम मांझी ने भी महागठबंधन में चल रही खींचतान को हवा दे दी है। मांझी ने अपने आवास पर मीडिया से बात कहते हुए तेजस्वी यादव पर कैसे निशाना साधा, आइए सुनाते हैं मांझी की जुबान। चुनाव के पूर्व तो हम इस बात की चर्चा करते ही रहे कि तेजस्वी प्रसाद ही अगला बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। अब हार हुई है। हार के बाद जब हम लोग हर पार्टी समीक्षा कर रहे हैं और फिर बैठक होगी महागठबंधन की, एक बैठक कल भी हुई है। उसी आप जानते हैं कि कांग्रेस के लोग नहीं आए, जब कांग्रेस के लोग नहीं आए, हम भी सादे नहीं थे, हमारे प्रतिनिधि लोग थे। तो करने का मतलब है वो मैं हुआ है, समीक्षा हुआ है, उसको नोट किया गया है। तो फिर सब पार्टी के लोग महागठबंधन में हैं, आप और उसी में निर्णय होगा कि अगला हमारा चुनाव जो बिहार विधानसभा का उसका मुख्य चेहरा कौन है। ऐसा नहीं है कि जीतन राम मांझी ने पहली बार विवादित बयान दिया है। पेट में बात नहीं पचने वाली बात खुद मांझी कई बार कह चुके हैं, लेकिन पेट की बात जुबां पर इस कदर आएगी ये महागठबंधन के नेताओं ने नहीं सोचा था। पहले ही उन्होंने कह दिया है कि तेजस्वी के नेतृत्व में ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और चुनाव लड़ेंगे, और जिसको रहना है पार्टी के अंदर रहे और नहीं तो जाए। ये तो सीधा सा इंडिकेशन है महागठबंधन के नेताओं के लिए भी, चाहे वो मांझी जी रहें या कुशवाहा रहें, उन सबको जो है तेजस्वी के आगे नतमस्तक होना पड़ेगा, उनका पैर छूना पड़ेगा और तभी राजनीति कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 संपन्न हो गया है। हार से सबक लेने के बजाय महागठबंधन के नेता के बयान से पेच उलझता जा रहा है, जिसे जल्द नहीं सुलझाया गया तो मिशन 2020 का विधानसभा चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नीतीश के खिलाफ होने वाले इस जंग में मांझी के बयानों से महागठबंधन की नैया डगमगा सकती है। अजय भारत के लिए सहयोगी मणिभूषण के साथ कुमार गौतम की रिपोर्ट। तो पैकेज देख लिया आपने और इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले उर्मिला ठाकुर जी, आपसे सवाल। कल तो बहुत खुश थी आप लोग, क्योंकि आप लोग कह रहे थे कि कांग्रेस भी हमारे साथ है, महागठबंधन के तमाम नेता हमारे साथ हैं और तेजस्वी ही हमारे नेता होंगे। आज मांझी जी ने झटका दे दिया। देखिए, महागठबंधन में जो चुनाव हुआ वो राष्ट्रीय पार्टी का ऐसा नहीं है। आप तो पूर्व में भी सुने कि हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे, और बिहार का ये चुनाव अभी नहीं हो रहा है। हमारे बिहार का जब चुनाव होगा, गठबंधन जब बनेगी, तो उस समय एक चेहरा होगा कि कौन किसको चेहरा को लेके आगे बढ़ रहे हैं, ये तो अभी तय नहीं हुआ है। और मांझी जी क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं ये तो हमने नहीं सुना है, आप बता रहे हैं। फिर से बयान चलवाएं क्या उर्मिला जी? मांझी ने जी ने साफ कहा है कि मैंने जरूर भी ये माना था और कहा था कि तेजस्वी यादव ही अगले सीएम के रूप में हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे महागठबंधन की ओर से, लेकिन इतनी करारी हार के बाद अब हम लोग बैठेंगे और फिर से तय करेंगे, जबकि आरजेडी ये कह रही है कि तेजस्वी के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उर्मिला जी जी, आप ही से मेरा सवाल है। निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल का आपने देखे कि किस तरह से विधायक दल की बैठक हुई, और उस विधायक दल में निर्णय लिया गया कि हमारे नेता जो तेजस्वी यादव जी हैं, जो बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, उन्हीं के नेतृत्व में हमारे वही लीडर हैं
और राष्ट्रीय जनता हम नहीं मान रही है ना, मांझी जी नहीं मान रहे हैं, मांझी जी नहीं मान रहे हैं। जिस समय मानने की बात होगी, जब महागठबंधन की बैठक होगी और उस समय तय होगा कि मांझी जी नहीं, क्या लगता नहीं है कि जो रिजल्ट आया है उससे अब सहयोगियों को लगने लगा है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी का नेतृत्व, रिजल्ट जो आया है उस पर अब सभी पार्टियां अपना अपना समीक्षा कर रहे हैं, अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। महागठबंधन की बैठक में आपने देखे कि संतोष मांझी आए, वो उपेंद्र कुशवाहा, संतोष मांझी आए, लेकिन जो हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हम सेक्युलर के, उन्होंने तो साफ आज साफ साफ कह दिया कि तेजस्वी हमारे नेता होंगे या नहीं होंगे हम बाद में तय करेंगे, फिलहाल हम तेजस्वी यादव को नेता नहीं मानते हैं। ऐसी बात नहीं है, मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कहे कि तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री होंगे और आगे का जो चुनाव, लेकिन आज उन्होंने अपना बयान पलट दिया है, हार के बाद जीतनराम मांझी के स्वर जो है वो चेंज हो गए उर्मिला ठाकुर जी। चेंज हुआ है, किस परिस्थिति में चेंज हुआ है, वो हार के बाद, हार के बाद साफ है कि कहीं ना कहीं मांझी या उनके दूसरे सहयोगियों को लग रहा है कि तेजस्वी यादव का नेतृत्व उन्हें वो सफलता नहीं दिला पाया। देखिए, हार के लिए सिर्फ एक पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का जो प्रतिपक्ष के नेता है आदरणीय तेजस्वी जी बिहार विधानसभा में, सिर्फ वही जिम्मेवार नहीं है, हमारे महागठबंधन के जितने सब जितने नेता हैं, महागठबंधन की जितनी पार्टियां हैं, सारे लोग अपने अपने स्तर से समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन नेतृत्व तो तेजस्वी यादव का ही था ना, लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव का ही नेतृत्व था, नेतृत्व था, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो नेतृत्व अभी जो चुनाव आगे जब विधानसभा की चुनाव उसी नेतृत्व पे खतरा होगा। उर्मिला जी, मैं आपके पास आऊंगा, विजय यादव जी क्यों लगने लगा है ऐसा कि तेजस्वी यादव आने वाले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का फेस नहीं हो सकते हैं? अमित जी, ऐसा कुछ नहीं है, जो आप जितना हमारे उर्मिला जी को भरमा रहे हैं ऐसा भरमने की बात नहीं है। मांझी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम लोग समीक्षा बैठक कर रहे हैं और समीक्षा बैठक करने के बाद निर्णय लेंगे, और उन्होंने वही कहा, मेरा सवाल है कि निर्णय जो जिस बयान को मांझी जी ने खुद जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था आज से लगभग 6 महीना पहले, तो उन्होंने साफ कहा था चाहे कुछ भी हो जाए जीतनराम मांझी अकेला ये कहता रहेगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के चेहरा तेजस्वी यादव होंगे, लेकिन जो इतनी बड़ी हार हुई है मन डोलने लगा है क्या जीतनराम मांझी? नहीं, 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 आज भी मांझी यही वही बात कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं? नहीं, नहीं, फिर से बयान सुनाए क्या उनका? आप सुना सकते हैं, मांझी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, हम अपने टेक्निकल टीम से आग्रह करेंगे कि एक बार फिर से जीतनराम मांझी का बाइट प्ले करें, उसके बाद फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पार्टी में से हम हैं, और जहाँ तक नेता का सवाल है, हम तो कहा कि बैठ करके हम लोग तय करेंगे कि अगला नेता मेरा कौन होगा, और पहले से हम कहते आ रहे हैं तेजस्वी प्रसाद के बारे में, हम ये आज नहीं करना चाहते हैं जब तक हम बैठक में करेंगे, बैठिए तो भी, तो जब तक नहीं एक होगा तब तक हम नहीं कर पाएंगे, हम या आज इसे समीक्षा करें। एक प्रश्न ये भी हो रहा है, जो भी हम अपने लोगों से राय लें, इन लोग क्या बोलते हैं, सहनी का मीटिंग पड़ेगी, उन लोग क्या बोल रहे हैं, कांग्रेस का क्या होगा, सब लोग अलग अलग माइंड होते हैं, अलग अलग बात करेंगे, लेकिन एक बार बैठ करके तय होगा कि अगला नेता कौन होंगे, किनके नेतृत्व में 2020 का तय होगा कि अगला नेता कौन होंगे। सुन लिया विजय यादव जी कि फिर से तय होगा, फिर से तय होगा। मांझी जी ने खुद कहा है कि मैं पहले से कहता आ रहा हूं, लेकिन अब समीक्षा होगा, फिर से तय होगा कि तेजस्वी यादव को महागठबंधन नेता मानता है कि नहीं। तो नहीं नहीं, सवाल यही है विजय यादव जी कि आखिर मन क्यों डोला, जब पहले से जीतनराम मांझी इतने कॉन्फिडेंट थे, लोकसभा चुनाव से पहले लगातार लोकसभा चुनाव में बयान देते आ रहे हैं कि तेजस्वी ही आने वाले विधानसभा चुनाव में सीएम का चेहरा होंगे, आज फिर से समीक्षा के बाद नेता चुनने की क्यों जरूरत, यानी कहीं ना कहीं संशय की स्थिति है महागठबंधन के? कोई संशय की स्थिति नहीं, मांझी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि महागठबंधन में हम लोग अकेला मैं नहीं हूँ, 5-6 लोग हैं, सब मांझी जी को खुद से बयान देना है कि 5-6 लोगों की तरफ से बयान देना। विजय यादव जी, पहले मांझी जी क्या 5-6 लोगों के तरफ से बयान देते थे? तब भी वो इंडिविजुअल बयान देते थे, तो आज इंडिविजुअल बयान क्यों नहीं? आज मांझी जी ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि महागठबंधन में कोई साथ रहे ना रहे, मैं आरजेडी के साथ हूँ, मैं तेजस्वी यादव के साथ हूँ? उस पर ये तो नहीं कहे मांझी जी, महागठबंधन से मैं अलग हो रहा हूँ। मांझी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि देखिए हम लोग 5-6 दल हो गए हैं,
और सभी दल एक जगह बैठकर जो समीक्षा कर रहे हैं, फिर से मुक्त है कि 2020 में किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए वो हम लोग तय करेंगे। फिर से ये बात तो नहीं कुछ कहेंगे, उनके नेतृत्व को नहीं मान रहे हैं, मानते नहीं है, ये मीडिया के ऊपर है। विजय यादव जी आप राजनीति में जरूर है, एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन मैं भी राजनीति को बहुत अच्छे तरीके और बहुत करीब से समझता हूँ कि बयान कब किस आधार पे दिए जाते हैं और कब बयान चेंज होते हैं। सुमन मलिक जी जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सुमन, मैं आऊंगा आपके पास। सुमन जी, आप क्या कहेंगे, जिस तरह से मांझी जी का मन डोला है, मांझी के बोल बदले हैं, क्या तेजस्वी यादव के लिए राह मुश्किल होते जा रही है? देखिए, मांझी जी का मन नहीं डोला है। जिस तरीके से राजनीतिक परिस्थितियां आज के तारीख में देश में हालात उत्पन्न हुए हैं, लोकसभा चुनाव में जिस तरह के चुनाव परिणाम सामने आए हैं, तो किसी भी दल के लिए या किसी भी गठबंधन के लिए वो सोचने और चिंतन का समय आ गया है। और यह स्वाभाविक है, जब भी कोई स्थिति मजबूत बनती है तो बहुत सारे लोग वहाँ जुड़ने का प्रयास करते हैं, और जब अपेक्षित सफलता नहीं मिलती है तो लोग पुनः उस पर विचार करने के लिए भी जो है सब प्रतिबद्ध हो जाते हैं। तो आज जो स्थिति है UPA गठबंधन में, तो जो स्थितियाँ थी वो आश्चर्यजनक है। उनके लिए जो लग रहा है, जो सोच को उन्होंने अपना गठबंधन बनाया था, वो उन्हें सफलता नहीं मिली है, तो स्वाभाविक है। राजनीतिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, यह देखा गया कि जब कहीं कोई कमजोर स्थितियाँ होती है तो लोग चिंतन के लिए पुनः या तो विवश हो जाते हैं या फिर उसका प्रयास करते हैं। तो आज मांझी जी के सामने में, कांग्रेस के सामने या जो बाकी उनके गठबंधन के लोग हैं, इसी स्थिति का जो है सामना कर रहे हैं, और उसी परिस्थिति में इस तरह का बयान दिया जा रहा है। तो ये तो आप लोगों के लिए खुशखबरी की बात है ना, खुश होने वाली बात है कि महागठबंधन पूरी तरह से बिखर रहा है? नहीं नहीं, देखिए, हम लोग राजनीतिक दल हैं, देश और समाज के हित के लिए राजनीति में आए हैं। कोई बर्बाद हो जाए, कोई टूट हो जाए, ऐसी हमारी मनसा या हमारे दल के नेताओं की मनसा नहीं रहती है। इसलिए आरएसपी को मैं आपको बता रहा हूं, आरएसपी को तोड़ के खुश हुए थे कि नहीं सुमन मलिक जी? हमने तोड़ने का प्रयास किया था। आप लोग कह रहे हैं कि हमारी नीति, नहीं नहीं सुमन मलिक जी, देखिए, देखिए, आप सुनिए पहले। मैं सवाल हर एक व्यक्ति से स्पष्ट रूप से करता हूँ। आप कह रहे हैं कि खुश होने वाली बात नहीं है, लेकिन आरएसपी को तोड़ के तो आपके नेता पूरा जेडीयू खुश हो गई। सुनिए, मेरी पूरी बात आप सुनेंगे। प्रसन्न होने वाली बात इसलिए नहीं है कि कोई भी RSS या कोई भी दल अगर हमारे घटक में आना चाहता है तो जो जिस तरह का काम हो रहा है, देश जिस तरह की राजनीति को पसंद कर रहा है, देश जिस तरह के विकास को पसंद कर रहा है, वो चेहरा नरेंद्र मोदी जी में है, सुशील मोदी में है, नीतीश कुमार जी में है। तो ऐसे चेहरों से प्रभावित होकर कोई जुड़ना चाहता है तो कोई गलत नहीं, हम किसी को तोड़ना नहीं चाहते हैं। हम तो हमेशा, देखिए होता क्या है ना कि जो लोग आप तोड़ते नहीं है, लोग आपके पास चले आते हैं। स्वाभाविक है, हम काम कर रहे हैं, हमारा नेता का चेहरा विकास का चेहरा है। आरजेडी जब टूटी आपके पास लोग चले आए। हाँ, हम तो कहीं दोस्तों कहीं किसी को नहीं कहते हैं कि आप आइए, देश ने हमें चुना है। शामिल कराने के लिए देश ने हमें देश ने सेवा करने का मुझे अवसर दिया, मेरे दल के नेताओं को अवसर दिया है। बाकी दल के लोग समझ रहे इस चीज को कि आज विकास का चेहरा NDA गठबंधन के पास है, तो वो हमारे पास आना चाह रहे हैं, और वैसे लोगों का स्वागत है। चर्चा जारी रखेंगे, राजीव प्रसाद भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजीव जी भी हमारे साथ हैं। राजीव जी, आपसे सवाल है कि जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं महागठबंधन के अंदर में और जिस तरह के बयान मांझी जी के आए हैं, क्या लगता है तेजस्वी एंड टीम के लिए सब कुछ सही नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं होगा। मेरा तो ये स्पष्ट तौर पर मानना है कि महागठबंधन अवसरवाद की पराकाष्ठा थी, कोई विचारधारा नहीं, सिर्फ एक ही नारा, मोदी हटाओ। और कोई माने या नहीं माने, ये स्पष्ट था कि यहाँ का नेतृत्व महागठबंधन का तेजस्वी यादव जी के हाथ में था, जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और मायावती जी के हाथ में था। सब जगह नेतृत्व एक व्यक्ति के हाथ में था, लोग पीछे चल रहे थे, लोगों ने देखा। और मांझी जी का जहां तक बयान का सवाल है, तो वो तो उनकी राजनीति तो हर दल की रही है। राजनीति की शुरुआत उन्होंने कांग्रेस से की, फिर RJD में आए, फिर नीतीश कुमार के अनुकंपा पर मुख्यमंत्री भी बन गए। तो उनका बोलना और न बोलना, उनका बयान तो बहुत ज्यादा राजनीतिक रूप से मायने नहीं रखता है। कल को फिर कुछ पलट के बोल रहे मौसम के हिसाब से राजनीति, मौसम के हिसाब से राजनीति के हिसाब से तो सबसे ज्यादा राजनीति रामविलास जी करते हैं आप लोग, लेकिन उनका सटीक भविष्यवाणी होता है, इनका नहीं होता है, इसलिए तो पिछड़ जाते हैं। इसलिए पिछड़ जाते हैं इसलिए आप लोगों के साथ नहीं है। नहीं पिछड़ते रामविलास पासवान की तरह तो आप लोगों के साथ होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। विजय यादव जी, मुझे एक चीज समझाइए, क्या आने वाले दिनों में क्या कुछ चेंज हो सकता है? क्या आज आप दावा ठोक कर कह सकते हैं कि हम महागठबंधन में थे, हैं और रहेंगे? बिल्कुल, मैं
हमारे मांझी जी हमेशा कहा करते कि मैं महागठबंधन में हूँ, रहूंगा और गरीबों को मैं सेवा करते रहूंगा। उन्होंने इतना तक लिए कहा है कि हम हारे हैं, नेता हारा है, मेरा कार्यकर्ता नहीं हारा है, मेरा कार्यकर्ता बुक्सा वही है। देखिए एक एनडीए गठबंधन वाले जो भी मद ग्रंथ बोल ले, उनको पता है कि हम कैसे जनमत को हथियाए हैं। लेकिन जो ज्यादा झूठ बोलता है वो ज्यादा अपने आप को बड़ाई भी करता है। लेकिन जनमत को अगर आप लोग को पता है कि जनमत को कैसे हथियाए हैं, आप ही के भाषा में बात करो, तो फिर समीक्षा करने की जरूरत क्या थी? फिर ये बयान देने की क्यों जरूरत थी कि हार के बाद फिर से हम सोचेंगे कि तेजस्वी को नेता माने या नहीं? लोग ने आंख दिखाकर जो एक देहाती कहावत जो बटरोही गायब करना, वही लोगों ने किया है। लेकिन हम लोग उस कंक्रीट मामला पर भी पहुंच रहे हैं, लेकिन अब तो जो जीत गया वही सिकंदर होता है। आने वाला समय में 2020 में एक चीज मैं नहीं चाहता हूं कि एनडीए गठबंधन फिर से बिहार में इसको दोहरा सके। हम कैसे इसी सर फुटबॉल से, इसी बयानबाजी से, इसी सर फुटबॉल से नहीं, कहीं कोई सुन। मांझी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि देखिए हम लोग लोकसभा के जो चुनाव का था उस वक्त का गठबंधन था, आज हम लोग गठबंधन में बहुत सारे लोग हैं। तेजस्वी जी कहा उस समय का गठबंधन था, पहले भी लोकसभा चुनाव में तय हो गया था कि किस पार्टियों के साथ गठबंधन करना है। विधानसभा में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो यही गठबंधन कंटिन्यू करेगा। आज भी सब ठीक है, ये कहां कहा जा रहा है कि तेजस्वी गठबंधन का नेता नहीं हो? इस पर हम लोग विचार करके एक बार कंक्रीट मामला में उन्होंने ये भी कहा था। विचार शब्द जुड़ गया ना, विचार सब जुड़ गया ना कहीं संदेह की स्थिति पैदा हो गई ना। जब तक इतनी बड़ी हार, अगर नहीं इतनी बड़ी हार हुई है, आज मैं क्रिकेट टर्म में बात करूं, आज से वर्ल्ड कप की भी शुरुआत हो गई है कि अगर बीसीसीआई ये कह दे या सिलेक्टर ये कह दे कि विराट कोहली की कप्तानी पे हम विचार करेंगे, तो कहीं ना कहीं संदेह उठ गया विराट कोहली के नेतृत्व पे। आप लोगों ने संदेह उठा दिया है, विचार करने की इतनी बड़ी मैं जो चुनाव हारा हूं उसका समीक्षा में हम लोग कर रहे हैं। तो वहां पे तेजस्वी यादव कहां से आ गए? समीक्षा तो हम पार्टी की होती है। अभी देखो कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष ये भी कहा है कि जो कांग्रेस के राहुल गांधी ने जो इस्तीफा दिया है एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, तो ये भी कहा है कि राहुल गांधी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, नहीं तो भविष्य में हो सकता है कि दल और कमजोरी के अवस्था में पहुंच जाए। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग मिलजुल कर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और उस वक्त मुख्यमंत्री कौन इस बिहार का होगा, हम लोग चुनाव करेंगे और चुनाव करके उस गठबंधन के तहत हम लोग चुनाव लड़ेंगे। वही मेरा सवाल है कि कहीं ना कहीं अभी पूरी तरह से भरोसा नहीं है तेजस्वी यादव पे, ये मान लीजिए ना। मेरा सिर्फ एक लाइन में सुना है कि महागठबंधन में है, बिल्कुल भरोसा कहीं कोई नहीं, मीडिया का ऊपर है। कह दीजिए, खुलकर आप बोल दीजिए कि मांझी जी ने जो बयान दिया है उसका हम लोग गलत मतलब निकाल रहे हैं कि तेजस्वी यादव आज के डेट में हमारे नेता होंगे। आप कह दीजिए विजय यादव जी, मैं मांझी जी की बात को नहीं मानूंगा, मैं आपकी बात को कोट करके चलाऊंगा। मांझी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम लोग गठबंधन में 6-7 लोग हैं, हम लोग मिल जुल कर फिर से तय करेंगे कि किनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। तेजस्वी के अलावा भी नाम आ सकते हैं, ये आ सकते हैं ना विजय यादव जी, मान लिया जाए ना? नहीं, ये मानना ना मानना तो ये आपके ऊपर है, हम लोग तो ऐसा नहीं मान रहे हैं। हम लोग तो अभी विचार करने की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से देखिए दिल्ली में राहुल गांधी के साथ बैठक करेंगे। विजय यादव जी, आज के डेट में रिजल्ट इसलिए इतना बड़ा आया आप लोग के, क्योंकि जनता समझदार हो गई है। बयान को स्पष्ट रखिए, तेजस्वी नेता होंगे या नहीं होंगे या कोई दूसरा ऑप्शन आएगा, खुलकर चीजें कही जाती है आज के डेट में। मांझी खुलकर भी कहे कि आप लोगों ने कहा कि गठबंधन का मुखिया, उन्होंने ये भी कहा कि नहीं अभी गठबंधन को मुखिया नहीं है, आरजेडी का मुखिया भी हो सकते हैं और गठबंधन के मुखिया के लिए हम लोग इस पर बैठकर तय करेंगे, जिस पर राहुल गांधी भी होंगे। उर्मिला जी, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो रणनीति बनाने में चूक रही तेजस्वी यादव एंड टीम से, जो परिस्थिति उत्पन्न हुई, तेज प्रताप यादव का इशू सामने आया, प्रकरण सामने आया, कई ऐसी चीजें थी जैसे कि सवर्ण आरक्षण की वकालत जो है मांझी हो, कांग्रेस हो, वो लोग कर रही थी, आरजेडी उसके खिलाफ में थी, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपके गठबंधन के सहयोगों को चुभी हैं और यही परिणाम है जो आज तेजस्वी यादव का नेतृत्व मानने से इनकार किया जा रहा है। देखिए, जहां तक सवर्ण आरक्षण की बात की है आपने, आपको याद होगी हमारे आदरणीय लालू जी बहुत पहले बोले थे 10% सवर्ण आरक्षण, गरीब सवर्णों की बात किए थे। वो ये नहीं कहे थे कि 66,066 रुपया कमाने वाला
यानी 8 लाख कमाने वाला आदमी वार्षिक आय वाले को आरक्षण, और जो 10,000 रुपया कमाता है, अब जो मान लीजिए 66,000 रुपया कमाएगा उसका बेटा सेंट माइकल में पढ़ेगा, डॉटर डेम से लेकर के क्या कहते हैं डॉन बास्को और सेंट जोसेफ और क्या कहते हैं सेंट जीवियर में पढ़ेगा, और जो 10,000 रुपया कमाता है उस सवर्ण का बच्चा गांव गमई के सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, और जब कंपटीशन होगी उर्मिला जी मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, उर्मिला जी मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन कांग्रेस के एक कद्दावर नेता जीतन राम मांझी जी से जाके मिले थे, और उन्होंने सवर्ण आरक्षण पे जिस तरह से आरजेडी ने इसकी खिलाफत की थी या जो माहौल बना था उस पर 1 घंटे चर्चा की थी, और मांझी जी ने माना था, जो हमारे सूत्र बताते हैं कि मांझी जी ने माना था कि हाँ यहाँ पर चूक हुई आरजेडी से और हम लोगों से भी नहीं, तो आरजेडी एक मिनट, हमारे लोगों को हो सकता है कि बताने में, जनता के बीच इन बातों को बताने में कि हम आरक्षण के विरोधी नहीं है, हम उनके साजिश के विरोधी हैं कि आप जिन सवर्णों की आरक्षण की बात करते हैं, ठगी करने की बात करते हैं, सही में वो सही आरक्षण गरीब सवर्णों के पास नहीं जा रहा है। इस चीज को बताने में, जनता तक पहुंचाने में हम भले नाकामयाब हुए, जो नाकामयाब हुए उसी का नतीजा है कि आज आरजेडी के हर फैसलों को सहयोगी मानने से इनकार कर रहे हैं। नहीं उर्मिला जी, ऐसी बात नहीं है, कल भी हमारा महागठबंधन जो बना था वो कल भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। चलिए देखेंगे, जितन राम मांझी जी बोले हैं वो ये नहीं बोले, वो उनका कहना ये हुआ कि अलग अलग हमारी हार का क्या कारण हो सकता है। देखिए समय की कमी है, समय की कमी है, एक एक सवाल मैं बाकी दोनों गेस्ट से ले लूंगा। सुमन कुमार मलिक जी, तेजस्वी जी कल भी, ठीक है उर्मिला जी, भविष्य में भी आरजेडी के वो नेता है और महागठबंधन के भी, वो अभी बिहार में उन्हीं का फेस है, उन्हीं का चेहरा पे भविष्य में भी चुनाव लड़ा, देखेंगे वो कांग्रेस हम जैसे सहयोगी मानते हैं कि नहीं। सुमन कुमार मलिक जी, आपको लगता है कि जो इतने दावेदार हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की अपनी महत्वाकांक्षा है, जीतन राम मांझी की अपनी अलग राजनीति है, या कांग्रेस अब बैकफुट पर नहीं रहना चाहती है, इसके कारण कहीं ना कहीं तेजस्वी को आने वाले दिनों में दिक्कत होगी? देखिए दो तीन चीजें इसमें काम करती है, इस चीज को प्रभावित कर रही है। सबसे पहले तो गठबंधन के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं इनके गठबंधन में उसका अभाव है ना, कोई जो है सो मजबूत नीति है ना, आपस में परस्पर कोई मजबूत गठबंधन है ना, एक दूसरे पर विश्वास है, सबसे पहले तो ये है। दूसरा क्या है कि देश में विकास के नाम पर या बाकी सम्मान के नाम पर जो चेहरा नरेंद्र मोदी के रूप में, नीतीश कुमार के रूप में है, वो देश की जनता इन्हें स्वीकार चुकी है, और इनके गठबंधन के रूप में वह जानती है कि इनके पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो देश के सम्मान के लिए और नीतीश कुमार जैसे विकास के लिए प्रतिबद्ध हो और आगे वो काम कर सके। तो बहुत सारी घटनाएं हैं, इन घटनाओं में हमारा गठबंधन जो है देश के सामने है, दुनिया के सामने में है, और लोकसभा के विधानसभा चुनाव में भी देखिएगा इनका गठबंधन को देश बुरी तरीके से नकारने का काम करेगी, और जो इनका बाकी जो उम्मीद है वो पुनः सफल नहीं हो पाएगा। राजीव जी, आपको भी लगता है कि जिस तरह से एनडीए ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे, बीजेपी को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं है, इसका लाभ जो है एनडीए आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर से उठा ले जाएगी? बिल्कुल उठाएगी, इसका तो लाभ, इसका ये तो पहले से ही एनडीए के लोगों ने कहा, 2 सीट पर नीतीश कुमार जी थे महागठबंधन एनडीए में, आने के बाद उनको 17 सीट दिया गया, उनके कद का हम लोगों ने सम्मान किया और उसका रिजल्ट सामने है, वो आगे भी नेतृत्व करेंगे, उनका विकास का चेहरा सबको स्वीकार है, देश में स्वीकार, पूरे देश में स्वीकार है। दूसरी बात ये मैं कह रहा हूं कि जैसे महागठबंधन वाले लोग थे, ये उनको लोगों को लगता था कि जो ये गणित है, इतने लीडर इस कास्ट के, इतने लीडर इस कास्ट के, सब लोग मिल जाएंगे, इसी गणित के आधार पर विधानसभा चुनाव में 2015 में नीतीश कुमार ने लालू यादव के साथ हाथ मिलाया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो पुरानी घटना हो गई, अब 2020 में देख लीजिएगा, समय तो बदल रहा है और उसका रिजल्ट भी आपके सामने, 2020 में लोगों को पता चला गया जो जनादेश लेके लोग भागे हैं, ये तो यही बात लोकसभा चुनाव में भी हो रहा है, पहले भी ये लोग बोल रहे थे कि पता चलेगा, शपथ ग्रहण की तैयारी करने के लिए चंद्रबाबू नायडू कितने लोगों का क्या कर रहे थे, सब कुछ गेट टुगेदर शुरू हो गया था, गेट टुगेदर शुरू हो गया था, ये तो तकनीकी गड़बड़ी के कारण आप लोग सफलता पा लिए हैं, लेकिन 2020 में ये चलिए देखेंगे, विजय यादव जी देखेंगे, धन्यवाद आप सभी का, हम देखेंगे कि तकनीकी खराबी के कारण कि वाकई महागठबंधन में जो कंफ्यूजन की स्थिति है और हर दिन पैदा हो रही है, पहले दिन कांग्रेस ने पैदा की, अब जीतन राम मांझी ने के बयान से पैदा हुई है, तो इन चीजों को सुलझा पाती है कि नहीं, और तेजस्वी यादव बिना लालू यादव के अनुपस्थिति में कैसे इन चीजों को हैंडल करते हैं, यह देखना होगा। फिलहाल के लिए आज इतना ही, खबरें जारी रहेंगी, नमस्कार। अगला बिहार के मुख्यमंत्री अब हार गई है।